की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। नमस्कार साथियों, मैं हरमन सिंह जेसीडी मेमोरियल कॉलेज से अपनी टोली के साथ आपके गांव में पहुंचा हूं। मेरी ये जो टोली है ये कोई ऐसी वैसी टोली नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अद्भुत और अनोखी टोली है। जानते हो ये सब क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये करते हैं नशे। तो साथियों आप भी सुनिए और आप भी सुनिए कि कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, आखिर इस नशे से सबको इतना प्यार क्यों हुआ? जिसने भी किया नशा वो तो अपनी ही मस्ती में झूल गया और साथ ही अपनी सारी जिम्मेदारी भूल गया। अगर इतना ही बुरा है ये नशा, तो आखिर सबके मन को क्यों भाया ये नशा? आज जिधर भी देखूं सबके सिर पे इसी का सरूर है छाया। तो साथियों आज मैं अपनी स्टोरी के साथ दो अनोखी कहानियां लेकर आया हूं, जिनमें पहली कहानी है एक मासूम सी बच्ची आशी की, जिसका पूरा बचपन नशे के कारण बिखर जाता है। तो आइए देखते हैं साथियों कि आशी के साथ ऐसा क्या होता है। हे भगवान, ये लड़की है आफती, अभी तक नहीं उठी है। उठो बेटा, उठो, 7 बज गए हैं, उठो, स्कूल नहीं जाना। क्या कहा तूने? कुछ नहीं पापा, मैं बस मम्मी को लंच के लिए कह रही थी। है मेरी बेटी कितनी सुंदर लगती है, तैयार हो गई। देखना तुम्हारे एक दिन ये लाड़ प्यार ने तुम्हारी बेटी को बिगाड़ देना है। तुम तो चुप ही रहा करो, फालतू मत बोला करो। बस बस मम्मी पापा आप दोनों लड़ो मत, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। बाय पापा। बाय मम्मी। चलो मैं काम पे जा रहा हूँ, काम कर देना। ए लड़की इधर आ। नहीं भैया, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूं। फंक्शन के चल, स्कूल के लिए लेट हो रही हूं। सुत्ता ले क्या पहले? वो क्या होता है भैया? तुझे सुत्ता नहीं मालूम? नहीं पता। सुत्ता ले क्या? नहीं पता, ये गलत है भैया। इसके बैग में मुझे जाने दो, मुझे स्कूल जाना है। मुझे जाने दो, पहले जाने दो। नहीं भैया, ये गलत है भैया, यही पता है। लड़की बैग छोड़। ये मेरा बैग है। छोड़। नहीं ये मेरा बैग है, मुझे स्कूल जाना है। ये मेरा बैग है, मुझे स्कूल जाना है। मेरा बैग है ये, मुझे मेरा बैग दो, बैग दो मुझे मेरा। साथियों ये थी आशी की अब तक की कहानी। बदलते समय के साथ आशी की जिंदगी में भी बहुत से बदलाव आते हैं। दबाव के कारण आशी को भी नशे की लत लग जाती है। और आने वाले 5 साल में आशी की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, आइए देखते हैं। हे भगवान, पता नहीं हमारी गुड़िया को क्या हो गया है, अब तो 5 साल हो गया है इस बीमारी को। तुम्हारे लाड़ प्यार ने तुम्हारी बेटी को बिगाड़ा है। अब तो डॉक्टरों ने भी इसका जवाब दे दिया है कि इलाज नहीं है इसका। अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। क्या आपके पास पैसे नहीं है? आशी मुझे पैसे चाहिए। तो देखा साथियों आपने, एक नशे की गिरफ्त में आकर आशी ने जाने अनजाने में ऐसी गलती कर दी जिसका उसे पूरी उम्र भर पछतावा रहेगा। सिर्फ एक नशे ने आशी के पूरे घर को बर्बाद कर दिया। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो 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 भाई सुनो सुनो नशे की कहानी सुनो सुनो। तो साथियों अब समय हो गया है आप सभी को हमारी दूसरी कहानी से रूबरू कराने का। ये कहानी है हमारे देश के 5 युवाओं की, जो दिन में जीवन व्यापन करने के लिए साफ सफाई का काम करते हैं
पूरा बीनते हैं, लेकिन जैसे ही उनको समय मिलता है वो भी नशे में लीन हो जाते हैं। तो देखिए एक दिन का नजारा जब वो सब मिलते हैं। अरे यार ये रोज की चिट्ठी, कभी यहाँ भी नो तो काम, कभी वहाँ भी नो, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो गई है। अबे यार मैं सारा दिन पूरा बीनती रह जाती हूँ। अरे यार मेरे मालिक ने तो मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, कभी ये करो तो कभी वो करो। अरे तेरा तो एक घर का है, मुझे तो कभी उस सड़क पर ना पड़ता है, कभी उस सड़क करना पड़ता है, सारी जिंदगी खराब हो गई। अबे यार पहले मेरे माँ बाप ने कूड़ा बीना, अब मैं बीन रही हूँ, कल मेरी औलादें भी यही काम करती रह जाएंगी। बच्चों को पालना पोसना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको कौन समझाए। मेरा तो दिल ऐसे करता है कि मैं तो उनके में जहर देकर अपने मालिक को मार ही डालूं। अरे तो एक काम करना, उनके खाने में जहर मिला दो और हम सब उनका सोना पैसा सब ले लेंगे। हाँ हाँ बड़ी होशियारी दिखा रही है, कल को पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तो ये सारी होशियारी बाहर आ जानी है। अरे आजकल सब कुछ होता है, क्यों भाइयों होता है ना? होता है। अरे ये छोड़ो, मोहित और कुणाल कहाँ पर है, अभी तक आए नहीं? वो कभी टाइम से आते हैं क्या? क्या हुआ, क्यों भौंक रहे तुम ये? कुछ नहीं बस अपनी जिंदगी से परेशान है। इनका तो काम ही भोगना है। पता नहीं क्या हो गया, आजकल के मर्दों के ठेके पे नहीं आते हैं। एक तो मालिक पैसे नहीं देता, ऊपर से घर वाले और गाली देते हैं। चलो मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान लेके आया हूँ। क्या लेकर आए हो? ये लो। क्या माल है, कड़क माल है यार। तो देखा आप सबने साथियों, सिर्फ एक नशे की वजह से इनकी गहरी दोस्ती में भी कितनी बड़ी दरार आ गई कि ये एक दूसरे को मारने तक पहुंच गए हैं। दोस्तों नशा चाहे शौक से किया जाए या गम के लिए किया जाए, नशा अपने साथ हमेशा कयामत लेकर आता है। जैसा कि आपने दोनों कहानियों में देखा, इन सब लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, घर परिवार बर्बाद हुआ, तो किस वजह से? सिर्फ एक नशे की वजह से बर्बाद हुआ है। तो साथियों आइए मिलकर शपथ लें कि ना तो हम खुद कभी नशा करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरमन सिंह आप सभी से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये प्रस्तुति आप पसंद आई हो। धन्यवाद। नदी किनारे साफ है, नशा करना पाप है। 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 नदी किनारे साफ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।